अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए रोज कोई न कोई ऑफर पेश करती है। एक बार फिर से रिलायंस जियो बाजार में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट की तरफ कदम उठाया है। जियो अपने जियो फाइबर सर्विस की मदद से ब्रॉडबैंड इंटरनेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। दरअसल जियो ने देश के कुछ चुनिंदा शहरों में 1.1 टीबी फ्री डेटा के साथ अपना हाई स्पीड टू द होम यानी कि FTTH ब्रॉडबैंड कनेक्शन शुरू कर दिया है। यूजर्स को 100 Mbps की डेटा की स्पीड मिलेगी। वहीं कंपनी इस सर्विस की कमर्शियल ओपनिंग इसी साल शुरू करने जा रही है। आइए जानते हैं FTTH प्लान क्या है। रिलायंस द्वारा हाई स्पीड फाइबर टू द होम के अनुसार शुरुआत में यूजर्स को FTTH प्लान में 100 Mbps की स्पीड मिलेगी, जिसके साथ 100 GB डेटा दिया जाएगा। वहीं डेटा खत्म होते ही यूजर्स एक महीने में 25 बार तक फ्री में 40 GB डेटा का रिचार्ज करवा सकेंगे, जिससे यूजर्स को एक महीने में कुल 1100 GB डेटा फ्री मिलेगा। क्या करना पड़ेगा नेट पाने के लिए? रिपोर्ट के अनुसार जियो फाइबर का कनेक्शन पाने के लिए यूजर्स को सिक्योरिटी के तौर पर 4,500 रुपए चुकाने होंगे। भुगतान करने के बाद कंपनी एक जियो राउटर इंस्टॉल करेगी। जब कंपनी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन यानी कि IPTV सर्विस लॉन्च करेगी, तब इसे सेट टॉप बॉक्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। टेक जगत से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे लोकमत न्यूज़.in के साथ।